हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो जो रहेगी आपकी 50 नंबर जो जीएस पोर्शन है स्टॉक असिस्टेंट में, उसके ऊपर रहेगी और ये मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हुज फिलॉसफी इज कॉल्ड द अद्वैता। ठीक है, किसकी फिलॉसफी को अद्वैता कहते हैं, जल्दी से कमेंट करें इसमें से क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या वो रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है, नागार्जुना है या वासुमित्रा है, जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करें। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो अद्वैता जो है ये फिलॉसफी है शंकराचार्य की, इसका मतलब बी द राइट आंसर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म सूफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये सूफी वर्ड, ये सूफी टर्म कहाँ से ड्राइव हुई है, जल्दी से कमेंट करें। सूफी टर्म किस जगह से ड्राइव हुई है, क्या वो टाइप ऑफ पोएट्री है या टाइप ऑफ गारमेंट है या कोई लैंग्वेज है या फिर नेम ऑफ अ प्लेस है, जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सबने इसका आंसर भी गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है कि सूफी ना एक टाइप ऑफ गारमेंट है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो कह रहा हूं अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्परेरी ऑफ नामादेव। ठीक है, कौन था इनमें से, वो माधव थे, निम्बर्क थे, सेना या रामदास, कमेंट करें इसका भी राइट आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसका भी राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सेना। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सबने भक्ति मूवमेंट के बारे में सुना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है द भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय, भक्ति मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज की थी, रामानुजा ने, कबीर ने, ठीक है, रामानंदा या नानक ने, भक्ति मूवमेंट किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडिया में, जल्दी से कमेंट करें। तो अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ा है इसके बारे में, थोड़ा सा जानते हो, तो सीधा आंसर करेंगे रामानंदा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेन रोड द कमेंट्री ऑन द वंदनत वेदांता सूत्राज इन संस्कृत। तो क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि रामानंदा, तुलसीदासा, ठीक है, ललेश्वरी या फिर वल्लभाचार्य। आई होप ये भी सबने गेस कर लिया होगा, नहीं किया तो देख लें, इसका आंसर है डी, वल्लभाचार्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पाइनर इन प्रीचिंग निर्गुणा भक्ति इन मिडिवल इंडिया वाज कौन था। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। वो नामदेवा थे, वल्लभाचार्य थे, रामानंदा थे, ये श्री चैतन्य थे, जल्दी से करें इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप गेस कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए रामानंदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, तो जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, इसका आंसर, क्वेश्चन सामने है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट रोड बीजक, बीजक को किसने लिखा था, रामदास ने, तुलसीदास ने, गुरु अर्जुन ने या कबीर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो कबीर, कबीर ने बीजक को लिखा था, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप कमेंट करेंगे कि द सिख गुरु वाज बोर्न एट पटना, कौन से सिख गुरु जो थे, ठीक है, वो पटना में पैदा हुए थे। यहाँ से ऑप्शन थोड़े मिस हैं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नानक, तेज बहादुर, हरगोबिंद या गोविंद सिंह। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपके लिए गोविंद सिंह रहेगा। ठीक है, कौन थे वो श्री गुरु सिख, कौन से थे जो पटना में पैदा हुए थे, ठीक है, वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखना गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे, क्वेश्चन आपके सामने है कि तानसेन एक फेमस म्यूजिशियन था, वाज इन द कोर्ट ऑफ, ये तानसेन फेमस म्यूजिशियन तो था,
किसके कोर्ट का था, ये भी हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो बाबर के कोर्ट में था, हुमायूं, अकबर या जहांगीर के कोर्ट में, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट, वैसी तानसेन जो था वो अकबर के कोर्ट में क्या था, म्यूजिशियन था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, किसने यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से को इंट्रोड्यूस किया था, आप कमेंट में बताएंगे ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से था क्या, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं वही क्लियर कर देता हूँ पहले, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से ये था कि अगर आपका मतलब आप कोई राजा हो या आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है, ठीक है, तो आपके बच्चे हुए, ठीक है, अगर वो बच्चे आपके खून नहीं है, मतलब आपके रियल सन्स नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास, कंपनी के पास चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी, ठीक है, वो उनको नहीं मिलेंगे अगर वो अडॉप्टेड सन हुए तो, ठीक है। दिस इज नाउन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, और इसी की वजह से, ठीक है, अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया हमारे राजाओं को, ठीक है, तो याद रखें। तो किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंगे ने, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी ने, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, जल्दी से करें। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में आप जानते हो, जो पहली लड़ाई अंग्रेजों और हमारे भारतीयों के बीच में हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लेसी, 1757 में हुई थी, जिसमें जाफर ने धोखा देकर इस मतलब सिराजुद्दौला को हटाया था और रॉबर्ट क्लाइव की मदद लेके खुद जाके नवाब बन गया था, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरी बैटल कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ बॉक्सर, वो कब हुई थी, आप कमेंट करेंगे बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। द ओल्डेस्ट एरा इज, ओल्डेस्ट एरा कौन सा था, वो साका एरा, बुद्धिस्ट एरा, मोहम्मदन एरा या विक्रमा एरा, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो इसका जो आंसर है, इन सब में से ओल्डेस्ट एरा जो है वो बुद्धिस्ट एरा, ये तो है ही नहीं कोई एरा, मैंने ऐसा नाम सुना नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सिख आर्मी वाज कॉल्ड, सिख आर्मी को किस नाम से पुकारा जाता था, जो सिख आर्मी थी, सिख्स की आर्मी थी, उसको किस नाम से पुकारा जाता था, अकाली, सिंह दल, खालसा या गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा तो होगा नहीं, ये उनका रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, इसको हटा दो। बाकी बचे आपके पास तीन ऑप्शन, इनमें से क्या रहेगा, ठीक है, बताइए, ये ए हो सकता है या सी हो सकता है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो खालसा, ठीक है, इज द राइट आंसर, सिख आर्मी को खालसा कहते थे, ठीक है, अकाली जस्ट एक लग दल था उनका, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हिस्टोरिक एलोरा केव आर लोकेटेड नियर, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपके हेरिटेज के साथ मिलता जुलता है, ठीक है, हेरिटेज कल्चर एंड हेरिटेज के साथ, तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है स्टूडेंट, द एलोरा हिस्टोरिक केव जो थी वो कहाँ लोकेट करती हैं, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद या औरंगाबाद में, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है डी, औरंगाबाद इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, त्रिरत्न कौन से नहीं है जैन धर्म के, ठीक है, इसका मतलब इनमें से कौन सा नहीं है वो देखना, बाकी के सारे होंगे। त्रिरत्न मतलब तीन रत्न, ठीक है, तो राइट फेथ ये तो होगा, राइट नॉलेज ये भी होगा, राइट रिव्यू या राइट कंडक्ट, ये दो तो डन है, राइट फेथ पे करेंगे, राइट नॉलेज रहेगी, ये दो तो हैं। आप लास्ट के दो में से आप मुझे बताओ सी या डी में से कौन सा इसका त्रिरत्न नहीं है, मतलब दो तो हो गए, तीसरा रत्न कौन था इनमें से बताइए, ये जल्दी से कमेंट करें। तो आंसर इसका रहेगा कौन सा, राइट व्यू, राइट कंडक्ट इज द त्रिरत्न, वन ऑफ द त्रिरत्न, मतलब एक, ये दो और ये तीन, ये तीन तीन रत्न थे किसके, जैन धर्म के, कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है, और राइट व्यू जो था ना, राइट व्यू इज नॉट अ त्रिरत्न ऑफ द जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी हिस्ट्री बेस्ड रहेगा ये भी, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ योगा, इनमें से कौन था
जो पाइनर था योगा का, जिसने योगा को इन्वेंट किया, जो मेन योगा को फैलाने वाला इनमें से कौन था, जल्दी से बताएं, क्या वो पतंजलि था, वग भट्टा था, आत्रिया था, या वृदुकांता था। ठीक है, तो इसमें ना आप थोड़ी सी ऑप्शनल मतलब अप्रोच लेके भी चल सकते हो। ठीक है, आप सब जानते हो पतंजलि को चलाने वाला स्वामी रामदेव है। ठीक है, स्वामी रामदेव है, तो स्वामी रामदेव क्या करते हैं, योगा करते हैं, तो आप वहीं से थोड़ा सा गेस लगा के इसको कर सकते हो। पतंजलि इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपके आर्ट एंड कल्चर बेस्ड है, तीनों के तीनों। ठीक है, चार क्वेश्चन होंगे नियर अबाउट। ठीक है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें अपने फोर्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे सामने है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो तमिलनाडु में फेमस है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ठीक है, भरतनाट्यम, या फिर कथकली। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो सबको पता है कि भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कुचिपुड़ी कर्नाटका में होता है, कथकली कहाँ पर होता है, और मोहिनीअट्टम कहाँ पर होता है, कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा था, जल्दी से बताएं इसका आंसर। क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जयदेव थे, मोहम्मद इकबाल, या बंकिम चंद्र चटर्जी। ये थोड़े उर्दू के वर्ड हैं, सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, तो जहाँ उर्दू का वर्ड है यहीं से याद रखोगे, मोहम्मद इकबाल, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, याद रखने का तरीका बताया मैंने, यहाँ बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो सारे जहाँ से अच्छा हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कि किसी और ने, कमेंट करेंगे आप। चलिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्रिया किसका डांस है, जल्दी से बताएं। सत्रिया इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, असम, केरला, पंजाब, बंगाल। जल्दी से कमेंट करें। पंजाब का तो आपको पता है गिद्धा होता है, दूसरा भांगड़ा। केरला का कौन सा था वो आप कमेंट करेंगे। असम के दो डांस थे, एक था बिहू और दूसरा सत्रिया। इसका मतलब इसका आंसर है ए, असम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेस अ स्पेशल फ्यूचर। इनमें से कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जिसमें बोट रेस जो है वो स्पेशल फ्यूचर है, पोंगल, नवरात्रि, पोंगली बिहू, ओनम। ठीक है, कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ओनम, इज द राइट आंसर। ओनम में ना हम क्या करवाते हैं, बोट रेस करवाते हैं केरला वाली साइड पे। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि साइंस बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली आज की। तो ये क्वेश्चन थोड़े ज्योग्राफी बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका कमेंट करने की कोशिश करें इसका आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है कि विच आर द फॉलोइंग रेफर्ड एज अ यंग फोल्ड माउंटेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा है तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका राइट आंसर। तो यंग फोल्ड माउंटेन की अगर बात करूँ तो हमारे पास हिमालय है, हिमालय इज़ द यंग फोल्ड माउंटेन, विंध्या इज रेंज, नीलगिरी रेंज, अरावली इज़ द रेंज। ठीक है, अगर बात करें अरावली ना राजस्थान, गुजरात से होते हुए, ठीक है, राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली के साथ जाकर टच होती है। ठीक है, और विंध्या जो है, विंध्या भी रेंज है। ठीक है, नीलगिरी ना हमारे पेनिनसुला में जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं ना, उस पॉइंट को नीलगिरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस वाले आगे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अरावली ना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया। अच्छा, ये तो यंग फोल्ड माउंटेन थे। ठीक है, फोल्ड माउंटेन होते हैं जो क्रम्बलिंग की वजह से बने हो, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बने हो। ठीक है, अच्छा यंग फोल्ड ये आ गए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन से, यहां पर ओल्ड फाउंड माउंटेन, कमेंट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, ओल्ड फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर J&K भी, दोनों एक ही है, कमेंट करेंगे आप। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ, नासिक किस रिवर के बैंक में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। क्या वो महानदी है, ताप्ती है, कृष्णा है, या गोदावरी है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। 53 का आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो वो आंसर है आपका गोदावरी, नासिक गोदावरी के किनारे पे पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा महानदी इन नदियों में बड़ी है, महानदी और तापी जो है ना, थोड़ा नर्मदा और तापी उल्टी बहने वाली नदी आती है। ठीक है, याद रखना ये भी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ मैनी यूटीज़ आर इन द इंडिया। ठीक है,
हाउ मैनी यूटीज आर इन द इंडिया, ठीक है, ये भी आप कमेंट करेंगे, सबको पता है 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं या 5 हैं, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, इंडियन शेयर्स लैंड बाउंड्री विद हाउ मैनी कंट्री, इंडिया की कितनी कंट्रियों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर होती है, कमेंट करें 7, 5, 4 या 3, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, 7 इज द राइट आंसर। ये तो लैंड बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री अगर कोई पूछ ले, अगर सिर्फ क्या पूछे टोटल बाउंड्रीज, तो वो आ जाएंगी मेरे पास, वो है 9। वो कितनी है, 9 है, 2 और आ जाती हैं दो कंट्रियों के साथ, वाटर साइड वैसे बाउंड्री बनाता है, बाकी लैंड जो है वो 7 है। वो 7 कौन सी है वो भी पढ़ लें आप। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट लाई इन द ऑन द कोस्ट, इनमें से कौन सी जो है वो कोस्ट पे नहीं पाई जाती। कोस्ट क्या होता है, कोस्ट वो एरिया जो जमीन और समुंदर के बीच वाला एरिया, मतलब समुंदर का किनारा, जमीन का भी किनारा मान लो, उसके आगे समुंदर शुरू हो जाता हो, जहां रेत दिखती हो उसे कोस्ट कहते हैं। क्लियर, आगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। महाराष्ट्र में मुंबई किनारे पे है समुद्र के, इसको कैंसिल कर दो। गुजरात, गुजरात में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन आती है, इसको कैंसिल कर लो। अब कौन से बचे, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, जल्दी से कमेंट करें। मैंने क्या कहा, महाराष्ट्र नहीं है, उसमें कोस्टल बाउंड्री है, इसमें भी कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, कोस्ट है ये तो पता ही है। और यहाँ पर एक आपको ये भी पता है कि बहुत बड़ा एक टाइडल फ्री वो बनाया है, क्या कहते हैं, पोर्ट बनाया हुआ है। अब मुझे बताइए कर्नाटका या छत्तीसगढ़ इसका आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। कर्नाटका के किनारे भी समुंदर मिलेगा, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, इसकी कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है, कोई कोस्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा है, छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखा, याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि द साउथर्न स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज रेफर टू एज, क्या बोलते हैं उसे, कन्नड़, कोंकण, साउथर्न गवर्नमेंट या मालाबार, किसको बोला गया, साउथर्न स्ट्रेच वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप की, वो क्या है, जल्दी से कमेंट करें। 57 क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर, जो आपके ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं तैयारी में कितनी तैयारी करके बैठे हैं आप, जल्दी से उसका कमेंट करने की कोशिश करें आंसर। आई होप सबने कर लिया होगा, तो मालाबार इज द राइट आंसर, साउथर्न स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्ट जो है उसे मालाबार कहते हैं। कोंकण भी हमारी कोस्टल बाउंड्री है, जो गुजरात के नीचे वाले एरिया में आता है, ठीक है, और महाराष्ट्र मुंबई की तरफ से नीचे तक जाता है, और कोंकण में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं टनल आते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्रिज इसी रेलवे में पाए जाते हैं, कोंकण रेलवे कहते हैं उसे, ठीक है। आगे चलिए, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक आइलैंड है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारी सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं हमारे पास जो लाइक करते हैं, बिया बंगाल में, अरबियन सी में, ठीक है, ये स्टेट को छोड़ दो, गुल्फा मनार को छोड़ दो, सीधा सीधा बता दिया मैंने, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ लाइक करते हैं, वो लाइक करते हैं बिया बंगाल में, अरबियन सी में, जल्दी से कमेंट करें। तो लक्षद्वीप आइलैंड लाइक करते हैं कहाँ पर, लाइक करते हैं अरबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड लाइक करते हैं, वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान, ठीक है, एंड निकोबार, ठीक है, याद रहेगा आपको, वो आइलैंड वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेनिनसुला इंडिया आ गया, यहाँ पर पाया जाता है अरबियन सी, ठीक है, अरब वाली साइड पे, ऐसे याद रखें, और यहाँ पे बंगाल है ना इस साइड ऊपर, तो बंगाल वाली साइड पे बे ऑफ बंगाल आ गया, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल कहते हैं इसको, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड पाए जाते हैं। और एक और बात, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, लक्षद्वीप आइलैंड ना, ये आइलैंड जो हैं ये किससे बने, एक तरह की वाटर स्पीसीज के साथ में, जिनको कोरल रीफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोरल रीफ कहते हैं, उससे बने हुए, ठीक है, याद रहेगा, कोरल रीफ से बने हुए। और अरबियन सी में जो आइलैंड पाए जाते हैं कौन से, सॉरी, अरबियन सी में जो पाए जाते हैं वो थे लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में जो पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार हैं, वो वहाँ एक बैरन आइलैंड पाया जाता है, बैरन आइलैंड जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो पाया जाए, और साथ में ही आपके पास ये वाले वोल्केनो ओरिजिन वाले हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिवर कह रहे, रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स, रिवर नर्मदा का सोर्स किस जगह से होता है, सतपुरा रेंज से, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या गंगोत्री, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर, ठीक है। 59 का राइट आंसर क्या है, 59 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी, अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा का ओरिजिन होता है, सतपुरा से किसका होता है ये कमेंट करेंगे, और गंगोत्री गंगा याद रहेगा आपको, यमुनोत्री से यमुना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद, ठीक है, ये सब चीज़ किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, सब बॉर्डर बनाते हैं चाइना के साथ, किसके साथ, चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं, याद रहेगा, चाइना के साथ बॉर्डर, थोड़ी गलती हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सबका कॉमन बॉर्डर है नेपाल, ठीक है। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, वो चाइना के साथ बॉर्डर भी बनाते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चाइना के साथ सॉरी ये बॉर्डर नहीं बनाते, वो बनाता है सिक्किम, मगर डायरेक्टली नहीं बनाता, ठीक है, याद रखना, सिक्किम हो गया। अब और कमेंट करेंगे कौन कौन से बॉर्डर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आ गया आपके साइंस बेस, जल्दी से कमेंट करें इनके आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं बता देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिनको पता नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी दी गई हो और मैग्नीट्यूड भी दिया गया हो, डायरेक्शन के साथ साथ में आपको मैग्नीट्यूड भी दिया हो, जाना किधर है और कितना जाना है। असल क्वांटिटी को, एक असल क्वांटिटी जितना जाना है ना, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। कोई फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और डायरेक्शन भी दी गई होगी, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वो कौन सी है, वो स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सीधा मैं बताता जाता हूँ। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, डायरेक्शन ना दी हो। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये टिक कर लें। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद टॉर्क जो है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, पहले पढ़ा था स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किलो वॉट हावर किसके यूनिट है, किलो वॉट हावर हमारे पास किसके यूनिट है, एनर्जी के, पावर के, फोर्स के, मोमेंटम के, जल्दी से कमेंट करें। तो अगर मैं बात करूं फोर्स के यूनिट होते हैं स्टूडेंट न्यूटन, क्या होते हैं, न्यूटन। पावर के होते हैं वाट, क्या होते हैं, वाट। पावर के क्या होते हैं, वाट। और पावर के बड़े वाले यूनिट जो होते हैं वो किलो वाट हावर भी होते हैं, आंसर यही है। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, एनर्जी और वर्क के यूनिट सेम है, वो है हमारे पास जोल, वो क्या है, जोल है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम ना पी से नोट किया जाता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास के केजी और वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड करके इसके कुछ यूनिट बनेंगे, ठीक है, याद रखना। आगे सोलर एनर्जी इज ड्यू टू द, सोलर एनर्जी किसकी वजह से होती है, फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, कंबक्शन या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिससे चीज़ों को रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट नई प्रॉपर्टी के साथ बनाया जाए। कंबक्शन जिससे कोई चीज़ जले और हीट और लाइट निकले, लिख लो साथ में नोटबुक में। न्यूक्लियर फिशन होती है जिसमें हम जैसे यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं ना, इसके ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे प्रोटॉन को, तो उसके अंदर से क्रिप्टॉन और बेरियम निकलते हैं, मतलब हैवी न्यूक्लियस टूट के लाइटर न्यूक्लाई बनते हैं, और कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा निकलती है। न्यूक्लियर फिजन उसका उल्टा, लाइटर न्यूक्लाई को मिलाकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाया जाता है। तो आप कमेंट करें इस थर्ड का क्या आंसर रहेगा, और थर्ड का जो आंसर है स्टूडेंट वो है ए इज़ द राइट आंसर, याद रखिए, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक पावर प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एटॉमिक पावर प्लांट किसके ऊपर काम करता है, फिशन फ्यूजन बता चुका हूं, थर्मल कंबक्शन या कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द, सबको मिलाकर। थर्मल जहां पर भी वर्ड यूज होगा ना, उसका मतलब होता है हीट, और हीट याद रखेंगे। कंबक्शन मतलब जब कोई चीज जले, हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दे, याद रखेंगे आप। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन में समझा चुका, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वह फिशन, ठीक है, एक बड़े से न्यूक्लियस को तोड़कर, यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़कर लाइटर न्यूक्लाई बनाकर उसे लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स बेस, द क्वांटिटी वेट इज मेयर्ड बाय, क्वांटिटी के वेट को किससे मेयर किया जाता है, बीम बैलेंस, कॉमन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस या बैलेंस वी, जल्दी से कमेंट करें फिफ्थ का आंसर। तो स्प्रिंग बैलेंस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, ठीक है, कह रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास या बोथ, ए एंड बी या बायोन्सी, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से बनता है, किसकी वजह से बनता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक और बात, सेंटर ऑफ मास भी एक कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर आप पूछोगे, सेंटर ऑफ मास होता है जहां पर आपके मास की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि
डायलिसिस यूज फॉर पीपल विद अ डिफेक्टिव किडनी, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं उसमें, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या इलेक्ट्रोफोरेसिस? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, ठीक है, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका राइट आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस कहते हैं, डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी में जाना। ऑस्मोसिस होता है वाटर का हायर कंट्री कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन एडिशन टू हाइड्रोजन कह रहा है कि द अदर अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द सन सरफेस इज हीलियम। सीधा आंसर कर लें, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कह रहा है, एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन द रॉक मिनरल इज कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम, कौन सा ज्यादा मकदार में पाया जाता है आपके इर्द गिर्द रॉक माउंटेन वगैरह में पाया जाता है? तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज टिन, टंगस्टन, टेंटेलम या टाइटेनियम, कौन सा पाया जाता है वहां पर, जल्दी से कमेंट करें। तो टिन इज द राइट आंसर, मून सरफेस पे टिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन रहेंगे जी एंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, वो कौन था ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, शिहाबुद्दीन, शाह मीर, रिंचिन या कुतुबुद्दीन, जल्दी से कमेंट करें। शाह मीर फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी और यही मुस्लिम रूल शुरू करने वाला था, मगर पहला इंसान जिसने इस्लाम कबूल किया रिंचिन था, ठीक है, जो एक टार्टर किंग के साथ वहां से आया था दुलूचा के साथ। उसके तीन जनरल थे, एक था शाह मीर, ठीक है, था रिंचिन, तीसरा था चक डायनेस्टी का, ठीक है, चक लंकर चक, ठीक है, ये तीन आदमी थे उसके, मगर उसने रिंचिन को हेड बनाया जिसकी पत्नी कोटा रानी थी, और फिर उसके बाद शाह मीर आया था, ठीक है, मगर इसका जो राइट आंसर है वो शिहाबुद्दीन, ठीक है। राइट आंसर क्या है, शिहाबुद्दीन को क्या बोलते थे, ललितादित्य मेडिवल कश्मीर। क्यों कहते थे इसको, इसलिए कहते थे क्योंकि ये भी ग्रेट कंक्यूरर था, ये प्यासा था, भूखा था जीत का, ठीक है। कुतुबुद्दीन के टाइम पे क्या हुआ था कमेंट करेंगे आप, या बता देता हूँ, इसके टाइम पे शाह हमदान आए थे, ठीक है, उनको तैमूर तंग कर रहा था इसलिए वो इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू हैव अबॉलिश द कस्टम कस्टम ऑफ सती अमंग द हिंदूस, किसने किया था सती को अबॉलिश करने वाला, वो कौन था, जल्दी से कमेंट करें। क्या वो सुल्तान कुतुबुद्दीन था, सुल्तान सिकंदर था, या शाह मीर था, या शिहाबुद्दीन था, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है आपके पास बी, सुल्तान सिकंदर इज द राइट आंसर, जिसने कश्यप ऑफ सती लाया था हिंदू में, अबॉलिश किया था कश्यप को, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ कश्मीर थ्रू हार्डली अ लिटरेट सराउंडेड हिमसेल्फ विद अ मैन ऑफ लेटर्स चीफली फ्राम द खोरासान एंड इराक, बिकम फेमस एज द बिल्डर ऑफ मॉस्क्यू इज, कौन था इनमें से, शिहाबुद्दीन, शाह मीर, कुतुबुद्दीन या सुल्तान सिकंदर? 82 का आंसर बताएं, जल्दी से कमेंट करें। तो सबको पता होना चाहिए सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ने बड़ मस्जिद बनाई थी, ठीक है, नहीं खान का है मौला, बड़ मस्जिद नहीं, खान का है मौला और जामा मस्जिद ऑफ कश्मीर बनाई थी, कब बनाई थी वो कमेंट करेंगे। और एक और क्वेश्चन आ गया, ये बड़ मस्जिद किसने बनाई थी, ठीक है, बड़ मस्जिद किस इंसान ने बनाई थी वो कमेंट करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट अमंग द रेसेस दैट एक्सटेंड कश्मीर फ्रॉम पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कौन था जिसने एक्सटेंड किया था इनमें से, जिसने एक्सटेंड किया था कश्मीर को पंजाब और अदर पार्ट ऑफ इंडिया में, इंडो आर्यन, आर्यन ग्रीक और इंडो ग्रीक्स, कौन थे वो? 83 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आर्यन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द कार्डल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विच प्रोड्यूस्ड द ग्रेट स्कॉलर लाइक एज कुमारजीवा एंड नागार्जुना ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा अशोक का ललितादित्य ननादीस, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, ठीक है। तो कौन रहेगा बुद्धिस्ट फिलोसफी लाने वाला, यहाँ पर इंसान तो अशोका ही था, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ललितादित्य ने कौन सी सिटी को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे, और इसने कौन सा टेम्पल बनाया था। नेक्स्ट
और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, बुद्धिज्म वाज पॉपुलर नाउन इन कश्मीर ड्यूरिंग द विच आर द फॉलोइंग मोनार्च, ठीक है, किसके टाइम पे हुआ था? तो यहाँ पर कनिष्का, हुष्का, अशोका एंड हर्षा, ठीक है। बुद्धिज्म वाज वेरी पॉपुलर था कश्मीर में किसके टाइम पे? अशोका ने तो इसको फैलाया था, ठीक है, मगर किसके टाइम पे? कनिष्का के टाइम पे हुआ था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कनिष्का इज द राइट आंसर। कनिष्का ना, ठीक है, कुशना डायनेस्टी का था और इसके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्या हुई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसमें जो बुद्धिज्म था, टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था महायाना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा था हीनायाना, और इसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट भी किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।